एआईएम से काफी कड़ी टक्कर मिली है समाजवादी पार्टी जो एमवाई फैक्टर पे चुनाव लड़ती है। एक काम करिए आप, दोबारा रिजल्ट देख लो आप। यूपी के नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिस तरीके से वोट हासिल किए वो सबको चौंकाते हुए नजर आए। न सिर्फ मेयर के चुनाव में बल्कि नगर पालिका परिषद में भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर मेरठ में अखिलेश यादव के रोड शो के बावजूद भी सपा प्रत्याशी टक्कर में नहीं आ पाया, बल्कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। संभल, हाथरस और कानपुर के घाटमपुर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पद पर भी एआईएमआईएम ने जीत हासिल की। जानकारी के मुताबिक ओवैसी की पार्टी ने करीब 11 पार्षद भी जिता लिए। ऐसे में सीधा सवाल अखिलेश यादव के मुस्लिम वोटों को लेकर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में मुस्लिमों ने अपनी नाराजगी सपा से दिखाई और उन्होंने ओवैसी को तीसरे विकल्प के तौर पर चुना। इस पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रहा है कि आखिर सपा का वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है। काफी कड़ी टक्कर मिली है समाजवादी पार्टी जो एमवाई फैक्टर पे चुनाव लड़ती है। एक काम करिए आप, दोबारा रिजल्ट देख लो आप। ये सही है कि कुछ जगह बहुत सारे लोग ऐसी ताकतें हैं और हमेशा काम करेंगी। उनको शिकायत ये है कि समाजवादी पार्टी को इतना परसेंटेज वोट क्यों मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी साजिश करने वालों के बाद भी समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ। लेकिन चाहे टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो और मेयर के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं वो षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। मेयर के चुनाव में आपने और डिंपल जी ने लगातार रोड शो किए और देखने को मिला कि आप लोगों की जो लोकप्रियता थी जिसके चलते रोड शो सफल भी दिखे, लेकिन परिणाम जो आए उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहना चाहते हो उन परिणामों को कि मेयर के 17 के 17 चुनाव उन्होंने जीते? देखिए, हालांकि कुछ अखबारों ने ऐसी बात लिखी है जो मैं नहीं कह सकता हूँ। एक अखबार है उसने ऐसी समीक्षा की है जो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वो बात नहीं लिख सकता हूँ ना कह सकता हूँ। लेकिन अखबार ने कहा कि कुछ कुछ झुकाव कुछ लोगों का उसी दल में है, तो वो मैं बात नहीं कह सकता। इसलिए हमें लौट करके अपनी बुनियादी सवालों को फिर उठाना पड़ेगा और वो बुनियादी सवाल वही है कि पिछड़ों को हक मिले, दलितों को हक मिले, मुसलमान भाइयों को हक मिले। अखिलेश यादव भले ओवैसी इंपैक्ट और हार को नकार रहे हों, लेकिन मेरठ में ओवैसी की पार्टी ने करीब 1,28,000 वोट हासिल किए जबकि सपा को 1,15,000 वोट ही मिले। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तब जाकर वो बीजेपी से आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा अन्य मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी सपा को झटका लगा। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।